Oh my God. जबकि मैं तो अपने काम से काम रख रहा था। मदरहुड इज अ मोस्ट डिफिकल्ट जॉब और समटाइम्स मैं इसको कहती हूँ कि ये मदरहुड नहीं मेंटलहुड है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्जा की मॉम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जी हम भी ठीक हैं और बहुत ही ज़्यादा बिजी थे और जी गर्मियां भी शुरू हो गई हैं, तो आज का व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ रूटीन है और उसके अलावा मुझे आज के टॉपिक पर बात करनी है बहुत सारी। काफ़ी दिन हो गए आपसे बातें नहीं हुई हैं और आज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मदरहुड या मेंटलहुड, तो सीरियसली आज हम एक मदर की डिफ़िकल्टीज़ पर ज़रूर बात करेंगे। और जी मुझे यकीन है कि जो भी बातें आज हम करेंगे, जो डिस्कशन अबाउट मदरहुड करेंगे, और आप लोगों में से जो भी मदर्स हैं वो सब रिलेट करेंगे अपने साथ उन सारी बातों को। ये व्लॉग सिर्फ मदर्स के लिए नहीं है बल्कि वो भी हैं ऐसे लोग जो सिंगल पेरेंट अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। अक्सर पेरेंट्स में से एक कभी डेथ हो जाती है या फिर सेपरेशन की वजह से कभी फादर अकेले भी अपने बच्चों को पालते हैं और मदर भी पालती है, तो इस हिसाब से, या वो गर्ल्स जो टू बी मदर बनने वाली हैं, तो उन सब के लिए है ये व्लॉग। तो इसलिए आप एंड तक इसको देखिएगा और इस टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी शेयर कीजिएगा। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं जी, ये हम वर्जा को एक प्लेलैंड पे लेकर गए थे जिसका नाम चिंकी पिंकी है, और यहाँ हमेशा बच्चों का बहुत ज़्यादा रश रहता है क्योंकि बीइंग ए मदर मुझे थोड़ा हमेशा गिल्ट रहता है कि वर्जा को जो है बर्थ से लेकर ही मैं स्कूल लेकर जाती हूँ। हालाँकि अभी वो सिर्फ 2 साल और 4 मंथ की है लेकिन डेली स्कूल चलती है सुबह सवेरे उठना, सर्दी हो या गर्मी हो। तो इसलिए फिर ये उसका राइट भी है कि उसको भी इंटरटेन किया जाए, तो शाम में अक्सर हम कोशिश करते हैं कि उसको कहीं ना कहीं लेकर जाएं। तो इस बार इसके पापा बिजी थे तो मैं और शेरा उसको हम यहाँ पर लेकर आए थे कि थोड़ा सा एंटरटेन हो, आप क्लिप्स देखते जाएं। यहाँ पर शेरा के कुछ फ़नी सीन भी आएंगे एज यूजुअल, जैसे वो अपनी हरकतें करता रहता है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो ये भी एक पॉइंट था एक मदर का कि उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो साइकोलॉजिकली अपने बच्चे को जो है ट्रीट करे। बच्चे को ट्रीट करना एक अलग बात है, लेकिन जो आपके साथ आपका मुआशरा है, आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं, बिलीव करें मुझे समझ नहीं आता वो क्यों इतना जस्टिफाई करते हैं हर चीज़ को। जितना एक माँ अपने बच्चे को समझ सकती है आई थिंक कोई भी नहीं समझ सकता। और ये हकीकत है कि हमारे यहाँ हमारे माशरे में जो बड़ी हैं, बड़े बूढ़े होते हैं या जो ख़ुद को कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझते हैं, वो हर वक्त कोई ना कोई आपको एडवाइस देते रहेंगे। देखिए हर बच्चे की नेचर अलग होती है, हर बच्चे का माहौल उसको अलग मिलता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब हर कोई नेगेटिवली बात करता है, लेकिन आप ये समझें कि जो मदर उसको परवरिश कर रही है वो ज़्यादा समझती है कि उसके साथ किस तरह से ट्रीट किया जाए, क्योंकि वो उसने जो उसके घर में उसके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ होता है वो उसके अकॉर्डिंगली ही चलती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक सेपरेट फैमिली में रहती हूँ तो मुझे पता है कि मेरे घर में इतना रश नहीं है लोगों का, तो जब मेरा बच्चा कहीं रश में जाएगा वो थोड़ा शाय फील करेगा। तो और जब कोई जॉइंट फैमिली में बच्चे रहते हैं वो आदी होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं दूसरे बच्चों के साथ। वहाँ से जो है लोगों के जो है कमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं कि ये बच्चा ऐसा क्यों है और वो बच्चा ऐसा क्यों है, मतलब लोगों को जो है कंपेरिजन करना बहुत अच्छा लगता है या बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। और मदर बेचारी के लिए ये एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि चैलेंज होता है कि अब उनको क्या जवाब दें या इस चीज़ का क्या रीज़न पेश करें, क्योंकि अक्सर मदर बेचारी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं इन चीज़ों को, और वो भी फिर इन्हीं बातों की तरफ सोचना शुरू कर देती हैं कि अगर इसका बच्चा ऐसा है तो मेरा क्यों नहीं है। हालांकि हर बच्चे में अपने किस्म की क्वालिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा जैसे आप देखें जब स्टडी में आ जाते हैं कोई मैथ्स में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश में भी उतना ही अच्छा हो। तो हर बच्चे का इंटरेस्ट भी अलग होता है और उसकी क्वालिटीज़ भी अलग होती है। तो जो अपनी बच्चों की क्वालिटीज़ हैं मदर्स को चाहिए कि वो उनको इन्हेंस करें, ना कि दूसरे बच्चों की क्वालिटीज़ को अपने बच्चों में जो है डेवलप करना शुरू करें या फिर एक्सपेक्ट करें कि ये चीज़ें यहाँ से मिलें। तो जनाब यहाँ शेरा साहब कर रहा था एंजॉय, जबकि मुझे लग रहा था डर के कहीं यहाँ के जो है लोग आकर इसको पकड़ ना लें, इसलिए मैंने शेरा का टकला थोड़ा बजाया कि भाई उठ जाओ, इस तरह से ऐसे नामे धक्के देकर बाहर निकाला जाए। और जी शेरा को तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था, शायद उसको अपना बचपन याद आ रहा था या वो ये समझ रहा था कि शायद मैं भी बच्चा ही हूँ। तो जनाब यहाँ पर बस बर्जा
थक गई थी काफ़ी, तो हमने सोचा कि चलते हैं अभी वापस, क्योंकि बरज़ा की फिर खाला भी घर आने वाली थी और वो हो गई थी आकर घर रेडी। खाना वाना खाया उसने और फिर बहुत ही एक्साइटेड थी कि उसकी खाला हैदराबाद से आ रही थी, जिसके साथ उसको बहुत ही मोहब्बत है और उसके लिए वो स्पेशली तैयार हो रही थी। अपनी खाला के साथ खूबसूरत एंजॉय किया, लेकिन जब वो चली गई तो बरज़ा बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी और मुझे कह रही थी कि वीडियो कॉल करके खाला से शिकायत करें कि वो क्यों चली गई हैं, वापस आ जाएं। और जी यहाँ पर ये नाराज़ हो गई है। तो जनाब ये हैं प्यारे से फूल से बच्चे हैं, और मदर्स जो हमेशा यही सोचती हैं कि बस ये थोड़े से बड़े हो जाएँ, समझदार हो जाएँ, तो फिर टेंशन कम हो जाएगी। जैसे जब बरज़ा बहुत छोटी होती थी तो मुझे लगता था कि जब ये बोलना शुरू कर देगी तो फिर मैं और ज़्यादा सही तरह से इसको समझ सकूंगी नेचर को, और जो है मैं बहुत इजी फील करूंगी। लेकिन ये नहीं होता है, मुझे लगता है कि हर दौर ही मदर के लिए डिफ़िकल्ट होता है। बचपन से लेकर हर एज में, वो जिसमें एज में भी दाखिल होते हैं वहाँ उसकी नेचर चेंज हो जाती है, उसके जो है आइडियाज़ चेंज हो जाते हैं, वो लोगों को और माहौल को समझना शुरू कर देते हैं, तो उनके साथ वो पहले बहुत अजीब किस्म से रिएक्ट भी करते हैं, और हम जो है मदर्स होते हैं परेशान होते कि किस तरह से इनको डील कर ले। तो जो समझदार लोग होते हैं वो तो इस बात को समझ जाते हैं कि बच्चे हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं हल्की तबीयत के छोटे से बच्चों की बातों को भी माइंड कर जाते हैं, तो ये भी मदर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है, और अक्सर मदर जो है आपे से बाहर भी हो जाती हैं इस जब बच्चे की एंगर को देखती हैं या उसकी ज़िद को देखती हैं। तो बहुत ही सॉफ्टली मदर्स को जो है इस चैलेंज को भी जो है कबूल करना चाहिए या फेस करना चाहिए। इस वक्त लगता है कि ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइम है, और क्योंकि ये स्टार्ट है इनका दुनिया के साथ और ज़माने के साथ चलने का, लेकिन आगे की एज और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है जब वो और थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, फिर अपनी मनमानी करते हैं, वो भी मदर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अगर बच्चा थोड़ा सा बिगड़ जाए तब फादर्स का हमेशा यही होता है कि आपने सही परवरिश नहीं की, और आपके जो बड़े होते हैं वो भी अक्सर यही कहते हैं कि शायद आपने तवज्जो नहीं दी। लेकिन एक मदर जो है घर को भी संभालती है और अपने रिश्तेदारों को अपनी दोस्ती में हर जगह फेस करती है, उसके बाद अपने बच्चे की परवरिश करना और उसको अच्छे तरीके से चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन करती है, हर तरह से कोशिश करती है। बस ये भी होता है कि हर मदर की नेचर भी चेंज होती है। बहरहाल कुछ भी है, एक मदर्स की अजमतों को सलाम करते हुए मैं यही कहूँगी कि हर मदर की एफ़र्ट्स को जो है आप दाद दें, और किसी को भी उसके बच्चे को उसके सामने कभी भी बुरा भला ना कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बहुत मेहनत शामिल होती है। और जी यहाँ शेरा की आवाज़ें सुनकर मैं यहाँ आई, तो अभी देखिए क्या हो रहा है। कहाँ कितने पैसे थे? कहाँ गए, रखे कहाँ थे फिर? इधर रखे हुए थे। तो ये तो बरसा के खिलौने हैं सारे। तो तुमने सही संभाल के रखो, अब रो क्यों रहे हो? पैसों के लिए क्यों रो रहे हो? बस करो, रो तो नहीं ना, यही होंगे कहीं पर, यही होंगे। देखो इधर कहीं होंगे। ये क्या? Oh my God! ना, अभी रोने की क्या जरूरत? चलो ठीक है, रखो, बस अब रखो जेब में, रखो अभी जेब में बस, चलो बरसा की पापा आएगा तो फिर दूसरे लेंगे। बस जी यहाँ वो कुछ पैसों के लिए तमाशा करके बैठा हुआ था, हालांकि इतना समझाया लेकिन समझता ही नहीं है। चलो बस ठीक है, बस अभी क्या हो गया? कोई बात नहीं। बस जी शेरा को मैंने वहीं छोड़ा क्योंकि इसके ड्रामे तो चलते रहेंगे। तो जनाब ये वाला क्लिप है, यहाँ पर एक साइंस का प्रोजेक्ट बन रहा है, हमारा फंक्शन है बहुत सारे स्कूल्स का, तो कंपटीशन है, ये यहाँ पर वाटर सेविंग के हवाले से एक प्रोजेक्ट है तैयार हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हम वहाँ जाते हैं और वहाँ भी जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ आपको दिखाऊँगी। और यहाँ बरज़ा बहुत इन्जॉय कर रही थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिए याद, और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।